बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने किए थे अल्फ़ाबेट्स एच एंड आई किया था। आगे मज़ीद करने से पहले हम इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने किया था ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई। आज हम करेंगे जे एंड के। So this is J. This is J. इसको लिखना बहुत ईजी है। पहले हम एक जो है वो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, देन हम जो है वो एक यू टर्न वाली शेप बना देंगे, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे ऊपर और एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा J. ये बन जाएगा J. अब हम जे से बनने वाली थिंग्स देखते हैं। जे से क्या क्या बनता है? तो जे से बनता है जॉक, जे से बनती है जेलीफिश, जे फॉर जेली, जे फॉर जीप, जे फॉर जार, जे फॉर जॉकर, जे फॉर जैगर, और भी बहुत ज़्यादा थिंग्स बनती हैं जे से, जैसे जे फॉर हमने पढ़ा जग, ये भी हम घर में देखते हैं, जेलीफिश पानी में देखते हैं, जेली हम खाते हैं, जी भी आपने देखी होगी, जार जिसमें कुछ भी जो है वो किचन में रखा जाता है, जॉकर एंड जैगुआर। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे के। दिस इज के। इसको भी लिखना बहुत इजी है। फर्स्टली हम जो है वो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, देन हम जो है वो एक लाइन लगाएंगे जो के डाउन टू लेफ्ट होगी, देन हम जो है वो नीचे एक लाइन लगाएंगे जो के डाउन टू राइट होगी। तो दिस इज़ के, दिस इज़ के। हम के से बनने वाली थिंग्स देखते हैं। के फॉर कैंगरू, के फॉर kangaroo, K for kitchen, K for kitchen, K for kite, K for kite, K for kid, K for kid, K for की, के फॉर की, के फॉर किंग, के फॉर किंग। ओके, अब आपने इसको अपनी नीट कॉपी पे जे और के को लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरह आपने जे और के से जो है वो बनने वाली थिंग्स देखनी है। बहुत ज़्यादा थिंग्स हैं जो आपको अपने घर में मिलेंगी, आपने उनकी एक वीडियो बनानी है और मुझे सेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।